Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Healthcare. So guys, देखिए क्या होता है जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो अक्सर देखा जाता है महिलाओं के नाभि के नीचे मिली जहाँ पे महिलाओं का यूट्रस होता है वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है और ये जो दर्द है ये बिल्कुल पीरियड आने के पेन की तरह होता है और उसी टाइम होता है जब महिलाओं को पीरियड्स आने वाले होते हैं तो महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं ये पीरियड आने का पेन है या महिलाओं के इम्प्लांटेशन सफल होने का पेन है अर्ली प्रेगनेंसी का पेन है। जो अर्ली प्रेगनेंसी का पेन होता है वो मेनली कहाँ पे होता है? पेट में, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, मिडिल पे होता है, राइट पे होता है। कैसे आप पता कर सकते हैं जो ये पेन हो रहा है ये आपका अर्ली प्रेगनेंसी का ही साइन है या पीरियड आने का साइन है? अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो ये वीडियो मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो पेट के कौन से हिस्से में नॉर्मली महिलाओं के दर्द फील हो सकता है और ये दर्द किस तरीके का होता है जिससे आप पीरियड डेट से पहले भी अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती तो हर महिलाओं को क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि उन्हें इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो अर्ली प्रेगनेंसी के पेन के थ्रू आप जल्द से जल्द जान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है या बच्चा आरोपित हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, सबसे पहले जो अर्ली प्रेगनेंसी का पेन होता है ये आपको जब आपका ओव्यूलेशन हुआ है उसके एक हफ्ते से लेकर दो हफ्ते के बीच में फील हो सकता है। ये वही टाइम होता है जब महिलाओं को पीरियड आने वाली होती है क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है यानी स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले हैं तो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है और पीरियड आने से कुछ दिन पहले या पीरियड आने से एक दिन पहले कुछ महिलाओं के केसेस में नाभि के नीचे दर्द होना शुरू हो जाता है। जो पीरियड का दर्द होता है नाभि के नीचे मेनली आपको पूरे एरिया में फील होता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होने लगता है। कुछ महिलाओं के केसेस में जो पीरियड आने का पेन होता है तीखा होता है, ज़्यादा होता है, कुछ महिलाओं के केसेस में कम होता है, बट पूरा दिन लगा रहता है। धीरे धीरे से उन्हें ऐसा लगेगा कि उनको पीरियड आने वाली हैं और एक दो दिन में आ ही जाती है। बट गाइज, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है मेनली जब बच्चा यूट्रन लाइनिंग में आरोपित होता है तो उस टाइम पे जो ये पेन होता है आपको जहाँ पे बच्चा आरोपित हुआ है, जिस साइड पे बच्चा आरोपित हुआ है, क्योंकि बच्चा सिर्फ एक ही साइड पे आरोपित होगा या तो आपके यूट्रस के लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, मिडिल पे, जिस भी जगह पे आरोपित होता है उसी जगह पे मेनली ये पेन आपको महसूस हो सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, जो ये पेन की इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम, बहुत माइल्ड या माइल्ड टू मॉडरेट ये पेन आपको महसूस हो सकता है। बट एक ही जगह पे जब बच्चा, क्योंकि जब बच्चा आरोपित होता है ना वो सीधे ऐसे अटैच नहीं होता है, हल्का सा जब महिलाओं की बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, ब्लड वेसल्स फटती हैं तो बच्चा वहाँ पे जाके इम्प्लांट होता है, तो कुछ खिंचाव टाइप की फीलिंग भी आपको हो सकती है, पुलिंग जैसी सेंसेशन भी उस पर्टिकुलर एरिया पे आपको हो सकती है। और इसके साथ साथ जो अर्ली प्रेगनेंसी का पेन है ये आपको आपके यूट्रस के साइड तो फील हो ही सकता है, किसी भी एक साइड पे जहाँ पे आपकी हिप बोन है, क्योंकि हिप बोन भी दोनों साइड पे होती है, या मिडिल पे जहाँ पे भी बच्चा इम्प्लांट हुआ है वहाँ पे ही आपको हल्का सा पेन फील हो सकता है। ये जो पेन है ऐसा नहीं है कि आपको लगातार धीरे धीरे से लगातार दो तीन दिन के लिए लगा रहेगा, नहीं। जब बच्चा आरोपित होता है तो ये पेन आपको कुछ मिनटों के लिए भी फील हो सकता है, कुछ महिलाओं के केसेस में कुछ घंटों के लिए भी फील होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आपको महसूस हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि आपको पीरियड आ जाएगी, बट इस केस में आपकी पीरियड डेट मिस हो जाती है। और ये जो पेन होता है अर्ली प्रेगनेंसी का ये मेनली आपको मॉर्निंग में फील होता है, आपको लगेगा कि आप मॉर्निंग में यूरिन पास करने जाएंगे और आपको पीरियड आ जाएगी, बट आपको पीरियड नहीं आती है। और ये पेन आपको लाइक मॉर्निंग में एक दिन फील होगा, नेक्स्ट डे भी आप महसूस करेंगे कि सेम ये फीलिंग आपको नाभि के नीचे एक साइड पे हो रही है। और जो ये पेन है ये आपका स्प्रेड होके लोअर बैक में भी फील होने लग जाता है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो महिलाओं के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए महिलाओं की बॉडी में रिलैक्सेशन हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो आपकी सारी जो मसल्स हैं यूट्रस की उन्हें रिलैक्स कर देता है ताकि उसमें कोई संकुचन ना हो, बच्चा सेफ रहे। तो इसकी वजह से महिलाओं के लोअर बैक में भी सिर्फ एक ही साइड पे, या तो राइट हैंड साइड पे, या तो लेफ्ट हैंड साइड पे, या तो मिडिल पे ये पेन आपको फील हो सकता है। ये अर्ली प्रेगनेंसी की मैं बात कर रही हूँ। और इस
पेन के साथ साथ आपको नाभि के नीचे ऐसा ब्लॉटिंग सी फीलिंग भी हो सकती है, यानी पेट आपको फूला फूला भी फील हो सकता है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती तो प्रेग्नेंट होने में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो रैपिडली बढ़ता है, जिसकी वजह से जो डाइजेशन प्रोसेस है या जो भी आप हेल्दी खाना खा रही हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। जब खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगाता है तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ब्लॉटिंग की दिक्कत या पेट फूला फूला सा, या आपको हर टाइम नहीं होगा, थोड़ा टाइम आपको महसूस हो सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बिना दवाई के बिना कुछ किए ये सही हो जाता है। और इसके साथ साथ जो इम्प्लांटेशन का पेन है या अर्ली प्रेगनेंसी का पेन है, इस पेन में आपको हल्की हल्की सी चुभन भी फील हो सकती है, ऐसा लगेगा कोई आपको सुई चुबा रहा है या चाकू की नोक सी हल्की सी, ज़्यादा देर कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे हल्का सा ही सेंसेशन आपको फील हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा तेज नींद में हों, गहरी नींद में हों, तो उस टाइम ये सेंसेशन आपको फील ना हो। और इसके साथ साथ कुछ महिलाओं के केसेस में तो ये हल्की हल्की सी ट्विंगलिंग सी सेंसेशन होती है, झंझनाहट सी सेंसेशन होती है, एज सच कुछ पेन भी नहीं होता है। बट इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी में और भी प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप नोटिस करेंगे कि इंटेंसिटी उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो 101% आपकी प्रेगनेंसी को डिफाइन करता है। तो इसी तरीके का पेन अगर आप ओवुलेशन के एक हफ्ते से लेकर दो हफ्ते के बीच में, या पीरियड जो डेट है उसे एक हफ्ता पहले या पीरियड डेट के आसपास, कुछ महिलाओं के केसेस में ओवुलेशन जब लेट होता है तो पीरियड जो डेट है वो भी आगे बढ़ जाती है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पीरियड इस दिन आएगा, हो सकता है कि एक दो दिन डेट आगे बढ़ने की वजह से आपको जो इम्प्लांटेशन का पेन है वो पीरियड डेट के एक दो दिन बाद महसूस हो रहा है। तो अगर आपकी पीरियड डेट मिस हो गई है तो आपको वेट करना चाहिए लाइक 1 वीक का, उसके बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, उसमें आपका एसजी हार्मोन डिटेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो इसी तरीके से अर्ली प्रेगनेंसी पेन के थ्रू या इम्प्लांटेशन पेन के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।